भाई सीन ये चल रहा है, आप देख लें ताऊ भाई के साथ ये पाव भाजी हम इंजॉय कर रहे हैं। ये पाव भाजी है जी, ठीक है जी। और पाव भाजी जो है ना वो उसका जायका जो है बिल्कुल खारा घर वाले पाव भाजी के साथ ही है, कोई मसला ही नहीं है यार, खाएं अपना वाला। तो आइए हम मार रहे हैं इसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खैरियत से हैं? ठीक हैं भाई। सीन ये कि कल मैं और ताहा भाई गए थे कटी पहाड़ी, और कटी पहाड़ी के नज़दीक ही जो है वो बड़ा ज़बरदस्त एक ढाबा था, ढाबा टाइप रेस्टोरेंट कह लीजिए उसको, तो वो रेस्टोरेंट था। और वहाँ पर बहुत सारे देसी खाने मिल रहे थे, और उसमें जो सबसे अच्छा और चलने वाला जो उनका खाना था वो था मटन रोश। अच्छा, मटन रोश जो है वो बलूचिस्तान की डिश है, आप लोगों को तो पता ही है, खासकर पख्तून आबादियों में ये मिलता है, और यहाँ पर भी कराची में भी अवेलेबल होता है। तो वो हम ट्राई करने के लिए गए थे, और बहुत अच्छा लगा। सेटअप पूरा देसी स्टाइल था, लोग चबूतरे बने हुए थे और लोग बैठे हुए थे और इन्जॉय कर रहे थे खाना। तो हम भी पहुँचे, खैर उस वक्त 3 बजे का टाइम होगा तकरीबन जब हम पहुँचे हैं, 3:15 बजे का टाइम था। तो 3:15 बजे ऑलमोस्ट जो है रोज ख़त्म था, लेकिन ये कि कुछ बाकी था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल गया, हमने वो ट्राई भी किया। तो आज का सीन ये है कि जी ऑफिस से फारिग होने के बाद मैं घर, उसके बाद फिर मैं इब्राहिम को यहाँ छोड़ने आया था। तो ताहा भाई के साथ सीन अभी एक बनना है, और अभी कोई डिसाइडेड नहीं है कि क्या सीन हम बनाएंगे। तो मैं अभी कर रहा हूँ ताहा भाई का इंतज़ार, ताहा भाई आते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि हम क्या सीन कर रहे हैं। तो भाई ये देखें ताहा भाई आ गए हैं, और दिन से रात हो गई है इस वक्त, क्या सीन कर रहे हैं फिर? सीन ऑन है तो गुलशन में आपके इलाके में, आप बताएं कहाँ चलना है? हमारे इलाके में तो है, मगर मैं आपको किसी दूसरे इलाके में ले जाता हूँ जहाँ पे आपको इंडियन डिश आपको खिलाएंगे। इंडियन डिश बताइए भाई। ऐसा है कि ताऊ भाई कह रहे हैं कि इलाका मेरा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा किसी दूसरे इलाके में, वहाँ चल के जो है ना बताएँगे। कोई इंडियन डिश बोल रहा है भाई, चलते हैं आपको भी दिखाते हैं। ये जी हमारे गैजेट्स आ गए, गाड़ी में यहीं लॉक कर देता हूँ भाई, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। भाई हम तो ताऊ भाई के रहमो करम पे हैं, बस चल पड़े हैं हम। इन्होंने कहा भाई बैठ जाएं, चलें। नॉर्थ अहमदाबाद जा रहे हैं, नॉर्थ अहमदाबाद जा रहे हैं 5 स्टार चौरंगी पे। एक इंडियन डिश शुरू हुई है वहाँ पे, इंडियन रेसिपी, वो चल कर ट्राई करते हैं। तो साथ साथ ही रहिएगा हमारे। ये देख रहे हैं अंधेरों से कोनों से निकाल के हम कहाँ पर रोशनी के शहर में आ गए। वो सामने सिग्नल, भाई यहाँ पर खुला है ज़बरदस्त किस्म का पाव भाजी। इधर आए हैं मैं और ताहा भाई, अभी देख रहे हैं यहाँ पर सीन क्या चल रहा है। भाई सीन ये चल रहा है कि मुंबई पाव भाजी जो खारागर में है, उनकी एक ब्रांच यहाँ पर खुली है, ये भाई ने बताया ना, तो उनकी एक ब्रांच यहाँ खुली है नॉर्थ अहमदाबाद में। तो यहाँ पर हम आए हैं, आइटम तो बहुत सारे हैं वहाँ पर, ये सब मौजूद नहीं है, लेकिन ये सारा मेन्यू कार्ड आपको दिखा देंगे हम। तो ये सीन है भाई, ट्राई करते हैं पाव भाजी वही वाली या कोई और सी है। भाई सीन ये चल रहा है, आप देख लें ताऊ भाई के साथ ये पाव भाजी हम इंजॉय कर रहे हैं। ये पाव भाजी है जी, ठीक है जी। और पाव भाजी जो है ना वो उसका जायका जो है बिल्कुल खारा घर वाले पाव भाजी के साथ ही है। अच्छा, रिव्यू के वक्त जो है जब ताऊ भाई के दोनों हाथ उठ जाए ना यूँ करके, तो समझ जाएँ कि ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन अगर ये एक हाथ उठाए तो समझ जाएँ कि कुछ ज़रा कमी है। तो ये राज की बात है, आप तो अच्छी है, हाथ नहीं उड़ाए तो आप हाथ ना उड़ाए, बिल्कुल हाथ ना उड़ाए तो समझ जाएंगे भाई बिल्कुल 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 बेकार है। अच्छा, बाद लोग कहते हैं जी हम लोग जो है ना वो खानों की मतलब बुराई नहीं करते, तो भाई हमारी स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान की जो वीडियो है ना वो देखी जाती है पूरे दुनिया में, बिल्कुल US में, और मतलब UAE में भी देखी जाती है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सब जगह। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह की वीडियो बनाएं जहाँ का रिव्यू अच्छा हो, तो उसी जगह पर हम आते हैं और उसी जगह की वीडियो भी बनाते हैं, इसीलिए हम भी आपको वाह वाह कहते हैं भाई। तो ये हम खाते हैं जी, अब ताऊ भाई आप भी ट्राई करें, बिल्कुल भाई कोई मसला ही नहीं है यार, खाएं अपना वाला।
अभी हम जो है ना वो फ्राई यहाँ मार रहे हैं इसकी। भाई जान अंधेरे में आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, सूरत हाल ये है कि भाई हमने व्लॉग बना लिया है, अभी हम सड़क पर हैं और बड़ा ख़तरनाक है कराची, मोबाइल मेरे हाथ में, ऐसा ना हो कि कोई चुक ले। तो अभी अगली मंजिल में मिलते हैं आपके साथ। भाई सीन ऐसा है कि अंजोली पे हम आ गए, मैं और ताह भाई, और अंजोली पर जो है ना बहुत ही मशहूर चाट वाला है जो आवाम पे क्रश होता है वहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त चाट वाला है। वो चाट हम ट्राई करने के लिए आए हैं, आपको भी दिखाते हैं भाई कैसी चाट है वो, क्या क्या कहानी है उसकी, वो भी हम बताते हैं। तो हमारे साथ ही रहें, मिक्स होती है ये ऊपर दही और फिर दोबारा पापड़ी। ये आ गई ताह भाई के साथ में, ये वाइट बन गया ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्योंकि भाई हमारा ये बिहाइंड द सीन भी चल रहा होता है, तो ये भाई घर वालों के लिए हम पार्सल भी लेके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये टोकन मनी होता है अंदर जाने का ये ज़रूरी है। तो जनाब सीन ये हो गया जनाब के ताह भाई और हमने आज बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए भाई, और मेहनत ये की है कि आज हमने दो ब्लॉग बना लिए। तो ताह भाई बिल्कुल सीक्रेट है, सीक्रेट तो नहीं है लेकिन अब मेरे इस वाले चैनल पर सीक्रेट नहीं है भाई कुछ भी, तो यहाँ पर हम बता देते हैं। अच्छा एक चीज़ और हुई है कि जो मुंबई पाव भाजी वाला है ना, उसको हमने बड़ा इंसिस्ट किया पेमेंट के लिए, उसने पेमेंट नहीं लिए भाई ने, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप लोग भी थैंक्स लिख दिएगा उसको। खैर मकसद तो ब्लॉग बनाना होता है, ऐसी बात है ये कोई फ़ायदा अवेल करना नहीं होता। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे आज के ब्लॉग रहे हैं, तो भाई इंशाल्लाह मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।